हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को सबसे प्रिय माना जाता है। उनकी कथा सुनने मात्र से ही एक ऐसा एहसास होता है जैसे कि हम उस समय में पहुंचकर श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हों। ऐसा ही एहसास हमें उनके मंदिर में जाकर होता है। मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर और वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर सबसे ज्यादा विख्यात मंदिर है। लेकिन गोकुल का एक मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण का बचपन गुजरा था। इस मंदिर को चार धाम की यात्रा से कम नहीं माना जाता और वो है नंद भवन का मंदिर, जिसे 84 खंबे के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये वो जगह है जहां बाल अवस्था में श्री कृष्ण भगवान यहां पर खेला करते थे। यहां पर कई मूर्तियां रखी हैं जो अपने आप यहां जन्मी हैं, यानी कि यहीं से निकली हैं। लगभग 5000 साल पहले इसी स्थान पर श्री कृष्ण भगवान खेला करते थे। इस बात को मन में सोचकर ही इस जगह पर घूमने का आनंद ही अलग हो जाता है। इस मंदिर का नाम 84 खंबा मंदिर है क्योंकि ये मंदिर 84 खंबों पर टिका हुआ है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये है कि जब आप इन खंबों को गिनेंगे तो ये हर बार अलग गिनती में गिने जाएंगे, यानी कि 84 नहीं होंगे, या तो एक ज्यादा होगा या एक कम होगा। इसके पीछे भी एक रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा का सुख देना चाहते थे, तो उन्होंने विश्वकर्मा जी से 84 खंभों वाला मंदिर बनाने के लिए कहा। इसी कारण कहते हैं कि यहाँ पर चार धाम की यात्रा का फल मिलता है। लेकिन विश्वकर्मा जी ने कहा कि द्वापर युग में तो इसमें यात्रा करने से चार धाम के मंदिर की यात्रा का फल मिलेगा, लेकिन कलयुग में इन खंभों को कोई भी ठीक से 84 गिनती नहीं कर पाएगा, तो इसलिए कलयुग में इस मंदिर की यात्रा करने पर चार धाम की यात्रा का फल नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण के 84 खंबे बनाने के पीछे तर्क दिया जाता है कि जब हम चार धाम की यात्रा करते हैं तो हम 84 लाख योनियों से छुटकारा पा लेते हैं, तो यानी कि ये 84 खंबे भी हमें 84 लाख योनियों से छुटकारा दिलाते हैं। ये खंबे तो आकर्षण का केंद्र है ही, इसके साथ साथ यहाँ पर श्री कृष्ण के जीवन को दर्शाती हुई छत और दीवारों पर जो पेंटिंग्स हैं वो भी बेहद मनमोहक लगती हैं। इन खंभों पर की गई नक्काशी इतने सालों के बाद धुंधली पड़ गई है, लेकिन अगर आप इस पर हाथ फिराएंगे तो आपको इसका आभास जरूर होगा। इसी मंदिर से कुछ दूरी पर ब्रह्मांड घाट है जहां पर श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। उनके मुख में पूरी सृष्टि यशोदा माँ को नजर आई थी। इस मंदिर के आसपास आपको श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कई जगह देखने को मिल जाएंगी और आप यहाँ पर पूरा दिन भी घूमेंगे तो आपको जरा भी थकान महसूस नहीं होगी, बल्कि एक अलग ही ऊर्जा आप महसूस करेंगे। आज से लगभग 5000 साल पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। गोकुल मथुरा से 15 किलोमीटर दूर है। यमुना के इस पार मथुरा है और उस पार गोकुल है। दुनिया के सबसे नटखट बालक श्री कृष्ण ने यहाँ पर 11 साल 1 महीने और 22 दिन गुजारे थे। महावन और गोकुल एक ही है। फिलहाल 8000 की आबादी वाला ये गाँव उस काल में कैसा दिखता होगा इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। कहा जाता है कि उस काल में इसका नाम गोकुल नहीं था, गो और गोपी आदि का समूह वास करने के कारण महावन को ही गोकुल कहा जाने लगा। वर्तमान काल में जो गोकुल जगह है वो औरंगजेब के समय में श्री बल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने बसाया था। गोकुल से आगे 2 किलोमीटर दूर महावन है। लोग इसे पुराना गोकुल कहते हैं। यहीं पर 84 खंभों वाला मंदिर है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन कृष्ण और बलराम का लालन पालन गोकुल में ही हुआ था। जेल में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान की लीला से जेल के सभी रखवाले यानी कि कंस के सिपाही सो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण के पिता उन्हें यमुना पार करके कंस के डर से अपने दोस्त नंद के यहाँ गोकुल में उन्हें छोड़ आए थे। बलराम और कृष्ण दोनों अपनी लीलाओं से सभी का मन मोह लेते थे। घुटनों के बल चलते हुए दोनों भाइयों को देखना गोकुल वासियों को सुख देता था। गोपियां नटखट बाल गोपाल को छाछ और मक्खन के लालच में नचाती थी। कृष्ण ने गोकुल में रहते हुए पूतना सकटासुर और तृष्णावर्त जैसे असुरों का वध किया। गोकुल तो गोपाल की बाल लीलाओं का स्थान है। गोकुल में प्रवेश करते ही हमें वो घाट दिखाई देता है जहां बाल गोपाल बैठकर बंसी बजाते थे और पास के ही कुंड में माँ यशोदा और गोकुल गांव की अन्य महिलाएं कपड़े धोती थी और नहाती थी। बाल गोपाल की बंसुरी की धुन सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। पत्थरों से बने एक बड़े से द्वार में घुसकर हम रास चौक पर पहुंच जाते हैं
हैं, वहीं से अंदर एक गली दिखाई देती है जहां से हमें नंद भवन के द्वार दिखाई देते हैं। भवन के अंदर संगमरमर के फर्श पर संकोच वंश लोग पैर रखते हैं, क्योंकि हर पत्थर पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने नंद भवन की देखरेख के लिए बाल गोपाल के प्रतिदिन के मक्खन मिश्री और लड्डू के भोग के लिए दान दिया है। भवन के अंदर कुछ और दरवाजों को पार करने के बाद आता है वो स्थान जहां माँ यशोदा कृष्ण भगवान को झूला झुलाती थी, और भवन के दूसरी ओर के दरवाजे को पार करते ही ताल घर में उतरने के बाद वो स्थान आता है जहां भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था। वहीं से एक गली सीधी चलने के बाद हम उस तरफ निकल जाते हैं जहां है रास चौक, और यही वो पेड़ है जहां पर बाल गोपाल बैठकर बंसी बजाया करते थे। इस मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है, लेकिन इसके अंदर कुछ नई चीजें बनवा कर भी शामिल की गई हैं, क्योंकि मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था, जिसके बाद इन्हीं खम्भों की मदद से क्षतिग्रस्त हिस्सों को दोबारा बनवाया गया। भले ही इस मंदिर के कई हिस्सों को दोबारा बनाया गया हो, लेकिन आज भी ये मंदिर श्री कृष्ण के पास होने का आभास दिला ही देता है। अगर आपको भी वीडियो में मंदिर देखकर श्री कृष्ण के पास होने का आभास हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।